मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फटकार के बाद अब अधिकारियों ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया है। लगातार प्रदेश से आ रही श्रमिकों के पैदल जाने की खबरों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों की जवाबदेही तय की थी, जिसके बाद जयपुर शहर के MI रोड पर पैदल जाते हुए श्रमिकों को गणपति प्लाजा के पास संभागीय आयुक्त KC वर्मा ने पेट्रोलिंग के दौरान रोका, जिसमें सभी श्रमिक UP जाने वाले मिले। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने रोडवेज की बस बुलाकर उन्हें छोड़ने की व्यवस्था की। संभागीय आयुक्त ने A1 TV से खास बातचीत में कहा कि सरकार के आदेश पर सभी श्रमिकों को उनके राज्यों में छोड़ा जा रहा है। इस दौरान पैदल जा रहे श्रमिकों के चेहरे खिल उठे। देश भर में लॉकडाउन के चलते लगातार खबरें आ रही थी कि श्रमिक जो लोग हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, पैदल ही लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को पहले भी निर्देशित किया है कि कोई भी प्रवासी हो या यहाँ के श्रमिक हो, दूसरे राज्यों में जो जा रहे हैं पैदल नहीं जाने चाहिए। कल फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्ट्रिक्ट आदेश अधिकारियों को दिए कि कोई भी अगर पैदल श्रमिक जाता है तो वो अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पर जो श्रमिक बैठे हैं, सैकड़ों श्रमिक हैं, वो UP जाने वाले हैं तमाम। जो संभागीय आयुक्त हैं KC वर्मा, वो खुद फील्ड में निकले हैं और लगातार जो श्रमिक हैं वो पैदल जा रहे हैं उनके लिए बसों की व्यवस्था करवा रहे हैं। सर, इन श्रमिकों को मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि इनको बसों के द्वारा इनकी सीमा तक छोड़ा जाए, क्या व्यवस्था की है सरकार की? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि कोई भी श्रमिक रोड पर पैदल नहीं चलेगा, इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ताकीद की गई है। मेरे द्वारा भी इसका पेट्रोलिंग करके देखी जा रही है कि वास्तव में कोई श्रमिक पैदल नहीं चले। अभी देखा कि खासाकोटी सर्किट में 50-60 श्रमिक थे, पैदल जा रहे थे, उनको रोक करके उनके लिए बस की व्यवस्था कराई गई है। अभी गणपति प्लाजा पे 50-60 श्रमिक बैठे हुए हैं, इनको रोक करके बस की व्यवस्था करा करके इनको सबसे पहले बसिक कैंप ले जाया जाएगा, जहाँ इनके खाने पीने की और मास्क की या सैनिटाइजर की सबकी व्यवस्था करके, पानी की व्यवस्था करके इनको बिल्कुल वहाँ खिला पिला करके वहाँ से रवाना करेंगे और भरतपुर के माध्यम से इनको हाथरस छोड़ा जाएगा। हमारा ये यूपी सरकार का मानना है, यूपी सरकार ने कहा है कि जो भी यहाँ के यूपी के श्रमिक जाएंगे वो सारे हाथरस जाएंगे, हाथरस हम छोड़ेंगे और हाथरस से विभिन्न जगह पर उनके द्वारा छोड़ा जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से इनको श्रमिकों को तैयार किया है। इनको पहली बार तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, किंतु जब बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है तो काफ़ी प्रसन्न हुए और ये बिल्कुल तैयार हो गए कि वास्तव में बसों में जाने के लिए तैयार हैं। पहले प्रथम दृष्टया तैयार नहीं हुए थे, किंतु इनको समझाइश की गई तो सभी तैयार हैं, इनको हम बसों के द्वारा ले जा रहे हैं। एक बस रवाना हो गई है, दूसरी बस यहाँ आ रही है, उसके द्वारा इनको रवाना कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी भी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, ये आदेश भी दिए हैं आपको, आप फील्ड में निकले हैं, ये पेट्रोलिंग की आपने की और आपको ये मजदूर मिले भी हैं पैदल जाते हुए, तो आपको नहीं लगता कि जो आपसे नीचे के अधिकारी हैं, SDO हैं, कलेक्टर हैं, वो फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, पेट्रोलिंग हो रही है, आगरा रोड पर पेट्रोलिंग हो रही है, जो भी ऑन फुट मिलता है, पैदल श्रमिक मिलता है, उनको सबको बसों में लेके जा रहे हैं। कल भी हमने भेजे हैं 1000 के आसपास, आज मेरी बात हुई है, एक बस से हाथरस जा चुकी है भरतपुर से, 136 श्रमिकों को वहाँ से दौसा से भेजा गया है, 5 बसें हमने बस्सी से ऑलरेडी रवाना कर दी हैं। ये वही श्रमिक जो पैदल जा रहे हैं, लेकिन ये श्रमिक समझो रात में ज़्यादा निकलते हैं, रात में पेट्रोलिंग की जाएगी, जो श्रमिक जहाँ मिलेगा उसको बैठा करके उसको समुचित व्यवस्था भी कराई जाएगी। इनको बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा, यूपी की सीमा तक छोड़ा, यूपी जाने वाले हाथरस, ये बात नहीं कि हाथरस से छोड़ा जाएगा अपनी बसों से, और हाथरस से यूपी सरकार जो है वो बसें लगा करेगी, इनको अपने गंतव्य तक छोड़ेगी। तो वहाँ तक यूपी सरकार ने परमिशन दे दी है सर? हाँ, यूपी सरकार ने परमिशन दी है, यानी हमारा ये है कि जो भी श्रमिक जाते हैं इनके नाम ID लेकर के यूपी सरकार को भेजते हैं, वहाँ 10 मिनट जो क्लियरेंस आ जाती है, हाँ इनको भेज दीजिए, क्योंकि इनको जाने में 8 मिनट लगेंगे, जितना टाइम लगेगा, ये देर में क्लियरेंस आ जाती है और ये सारे बिल्कुल थ्रो पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे संभागीय आयुक्त KC वर्मा जो फील्ड में निकले हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि श्रमिकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री के भी ये स्पष्ट आदेश थे अधिकारियों को कि अगर श्रमिक पैदल जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। आप देख सकते हैं ये जो श्रमिक हैं, ये छात्र भी हैं और इनमें श्रमिक भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं हाथरस के। ये तमाम जो ये लोग बैठे हैं यहाँ, वो अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं। KC वर्मा ने इनके लिए बसों की व्यवस्था की है। कितनी खुशी है आप अपने घर जा रहे हैं अभी? बहुत खुशी है। सरकार ने क्या कहेंगे सरकार ने जो व्यवस्था की? सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया, सरकार का धन्यवाद कहता हूँ, जो है पुलिस प्रशासन के जो है धन्यवाद कहता हूँ, जो है बहुत बेहतरीन व्यवस्था दी है, खाना सीने सब सुविधा दिए हैं, जो है धन्यवाद सरकार। वो कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से इनको विश्वास हुआ, ऐसा विश्वास नहीं था ऐसी व्यवस्था सरकार, विश्वास नहीं था, लेकिन अब पूरा भरपूर विश्वास हो गया सरकार के ऊपर,
जो है सरकार हमको ऐसी व्यवस्था दी है, ऐसी व्यवस्था हमने सोचा नहीं था ऐसा व्यवस्था मिलेगा। हम लोग तो सोचे थे पैदल निकल चलेंगे, जो है जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे। यूपी सरकार में भी आपने आवेदन किया था पहले कि आपको उनके घर तक पहुँचा? पहले किए था जो है, लेकिन कोई सुनवाई हुआ नहीं यूपी सरकार से। तो ये श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं ये लगातार यहाँ से उनके घर जाने की कोशिश है, और प्रदेश भर में जिस तरह की खबरें आ रही थी सड़कों पर लगातार जो श्रमिक हैं वो पैदल ही निकल रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस तरह की व्यवस्था की गई है। जो लोग पैदल जा रहे हैं सड़कों पर उनको उनके जहाँ जाना है गंतव्य तक वहाँ की स्टेट से परमिशन ली गई है और उनको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ये जो श्रमिक हैं ये हाथरस के हैं तमाम श्रमिक, और इनको राजस्थान सरकार की ओर से बसों द्वारा अभी हाथरस छोड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।